पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात अब हर दिन गुजरने के साथ साथ बेहतर होते जा रहे हैं और दोनों ममालिक डिफेंस के साथ साथ मौशी तावन भी जारी रखे हुए हैं। दोनों ममालिक अब गैस पाइपलाइन मंसूबे पर भी काम कर रहे हैं, जिससे पाइपलाइन को पोर्ट कासिम से पंजाब तक लाया जाएगा, जिससे पाकिस्तानियों को LNG एक सस्ते रेट में मिलेगी और सफरी अखराजात भी बचेंगे। इसके साथ ही रूस ने पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोहित यूसुफ से दरख्वास्त की कि वो रूस का दौरा करें। मोहित यूसुफ को क्यों बुलाया गया आपको बताते हैं। कौमी सलामती के मुशीर डॉक्टर मोहित यूसुफ ने रूस की सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी मिस्टर निकोलाई पेट्रोशेव की दावत पर 6 रुकनी वफद के हमरा मॉस्को का दौरा किया है और अपने रूसी हम मनसब के साथ वफूद की सतह पर बातचीत की। फरीकैन ने पाक रूस तालुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया, इलाकाई और बैन अल-अक़वामी अमूर पर गहराई से बातचीत की। दो तरफा तालुकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर बशमूल इक्तसादी तवानाई, दिफा, इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मंशियात और इंफॉर्मेशन और साइबर सिक्योरिटी में तावुन पर तबादला ख्याल किया। दोनों फरीकैन ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया और अफगानिस्तान में देरपा अमन के क्याम के लिए तमाम कोशिशों की हमायत का अजम किया। उन्होंने अफगानिस्तान में बढ़ते हुए इंसानी बहरान पर गहरी तशवीश का इजहार किया और आलमी बरादरी की जानिब से आने वाली सूरत हाल को रोकने के लिए अमली इकदाम की जरूरत पर जोर दिया। दोनों फरीकैन ने अपनी अपनी रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी अहमियत के तमाम अमूर पर मसरूफ रहने पर इतफाक किया। वाज़ेह है कि इस वक्त पाकिस्तान का किरदार अफगानिस्तान में बहुत अहम हो चुका है और रूस भी अफगानिस्तान में अमन पर इंटरेस्ट ले रहा है, जिसकी वजह से मोहित यूसुफ ने अब रूस का दौरा किया है।